दोस्तों ये है इंडियन प्लेयर्स के टॉप 10 रिवेंज मोमेंट्स। नंबर 10, वेंकटेश प्रसाद वर्सेस सईद अनवर। साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 288 रन बना दिए थे और अब पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए तगड़ी बैटिंग करने की जरूरत थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान की ओर से आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और 50 रन पर पहुंच गए। तभी उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर कवर रीजन में बाउंड्री लगा दी। सोहेल इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। प्रसाद ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बॉल उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ डाल दी। सोहेल ने अपने अग्रेशन में उसे एक बार फिर जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट से मिस होकर सीधे स्टंप्स पर लगी। उसके बाद तो वेंकटेश प्रसाद के साथ सारे इंडियन फैंस खुशी से झूम उठे और वेंकटेश ने भी उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 9, सचिन वर्सेस हेनरी ओलोंगा। एक दौर था जब जिम्बाब्वे की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेला करती थी और ये टीम दुनिया की सभी मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उसी दौर में फास्ट बॉलर हेनरी ओलोंगा भी जिम्बाब्वे की टीम में हुआ करते थे और अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया करते थे। एक मैच के दौरान ओलोंगा ने सचिन को 2 गेंदों में 2 बार आउट किया। पहली गेंद नो बॉल थी, फिर एक बाउंसर को सचिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल सचिन के बल्ले से लगकर फील्डर के पास चली गई और सचिन को आउट करने के बाद 23 साल के हेनरी ओलोंगा उन्हें घूर कर सेलिब्रेट करने लगे। सचिन बिना कोई रिएक्शन दिए मैदान से चले गए। इसके बाद अगला मैच 2 दिन बाद होना था। ये था फाइनल मुकाबला जो जिम्बाब्वे और भारत के बीच ही खेला जाना था। मैच से पहले के करीब 36 घंटे सचिन के लिए आसान नहीं थे। बताया जाता है कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। क्रिकेट के बॉस का इस तरह से आउट हो जाना सचिन को गवारा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने हेनरी ओलोंगा को सबक सिखाने की ठान ली और फिर अगले ही मैच में मास्टर ब्लास्टर को अपना हिसाब बराबर करने का मौका भी मिल गया। मैदान पर शांत रहने वाले सचिन ने इस मुकाबले में बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और ओलोंगा की ऐसी लय बिगाड़ी कि ओलोंगा को मानो करियर ही खत्म हो गया हो। इससे पहले वाले मैच में जिस ओलोंगा का खौफ था उसे सचिन ने खत्म कर दिया था। ओलोंगा ने 6 ओवर में 50 रन दिए, वहीं सचिन 92 गेंदों पर 124 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने ये मैच बिना कोई विकेट गंवाए ही जीत लिया। आज तक जिस भी गेंदबाज ने सचिन को परेशान किया है उसकी क्लास उन्होंने मैदान पर जरूर लगाई है। नंबर 8, एमएस धोनी वर्सेस मिचेल जॉनसन। दोस्तों मौका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक ओडीआई मैच का था। ऑस्ट्रेलियन पेसर्स एमएस धोनी पर बाउंसर्स की बारिश कर रहे थे और बेन हिल्फनहाउस की एक बाउंसर तो सीधे धोनी के हेलमेट पर लगती है। इससे धोनी काफी गुस्से में थे। तभी मिचेल जॉनसन की एक बॉल पर धोनी एक सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, पर जॉनसन रास्ते से नहीं हटते हैं, जिससे धोनी को सिंगल पूरा करने में देर लगी और वो रन आउट हो जाते। लेकिन धोनी उल्टा जॉनसन को ही धक्का देते हुए क्रीज पर पहुंच जाते हैं, पर धोनी रन लेते टाइम नीचे गिर जाते हैं और धोनी बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। उसके बाद फिर जॉनसन उनसे कुछ नहीं कह पाते और फिर ऑस्ट्रेलिया ने देखा धोनी का विकराल रूप, जहां धोनी ने उनका गुस्सा हर बॉलर पर निकाला और ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों की दिल से जो पिटाई की भाई पूछो मत, मजा ही आ गया। अब हमारे माही भाई को गुस्सा दिलाओगे तो यही होगा ना। वैसे दोस्तों क्या आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है जब धोनी इससे भी ज्यादा गुस्से में नजर आए हों? नंबर 7, श्रीशांत वर्सेस आंद्रे नेल। दोस्तों ये कहानी है साल 2006 के साउथ अफ्रीका टूर की। जोहान्सबर्ग टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका की कंडीशन काफी खराब थी और उनके बॉलर्स भारत को जल्द से जल्द ऑल आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी थी श्रीशांत और वीआरवी सिंह की। अब हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आंद्रे नेल बॉलिंग करने आए और श्रीशांत को पहली बॉल करने के बाद उनकी ओर बढ़ते हुए उन्होंने श्रीशांत से कुछ कहा। श्रीशांत को नेल का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अगले ही बॉल पर आगे बढ़कर नेल को एक करारा छक्का लगाकर तुरंत नेल से बदला ले लिया। उसके बाद श्रीशांत ने जो डांस करके उनके मजे लिए वो देखने लायक था और ये क्रिकेट का सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज भी था। नंबर 6, हरभजन वर्सेस अख्तर। दोस्तों साल 2010 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर्स में जीत के लिए 16 रन्स चाहिए थे। सुरेश रैना के एक सिक्स की बदौलत जीत की इक्वेशन 7 बॉल्स पर 7 रन्स पे आ गई थी। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और 49th ओवर की लास्ट बॉल पर शोएब एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं जो हरभजन पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। इसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं
और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर रैना रन आउट हो गए और भारत के लिए जीतना थोड़ा टफ हो गया, पर हरभजन सिंह ने मैच की सेकेंड लास्ट बॉल पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया और इस इंटेंस राइवलरी का एक मैच भारत के नाम कर दिया। नंबर 5, गांगुली वर्सेस फ्लिंटॉफ। दोस्तों, फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई तो शुरुआती 5 मैचेस में भारत 3-2 की लीड बनाए हुए थी, पर वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 6th मैच में इंग्लैंड जीत जाती है और भारत की जमीन पर सीरीज ड्रॉ करा लेती है। आखिरी विकेट लेकर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एंड्रयू फ्लिंटॉफ गांगुली को चिढ़ाने के लिए अपनी शर्ट को उतारकर हवा में लहराते हुए सेलिब्रेशन करते हैं। फ्लिंटॉफ का यह सेलिब्रेशन गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फ्लिंटॉफ गांगुली को गाली भी देते हैं। इसके बाद वो बस बदला लेने का इंतजार करते हैं। उसी साल जुलाई में भारत नॉर्थवेस्ट ट्रायंगुलर सीरीज खेलने इंग्लैंड जाती है और लॉर्ड्स के मैदान पर हुए फाइनल मैच में भारत इंग्लैंड को हरा देती है। इसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी पर गांगुली जिस तरह अपनी दादागिरी से टी शर्ट लहराकर सेलिब्रेशन करते हैं, वो दिखाता है कि बदला कैसे लिया जाता है और ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन मोमेंट के तौर पर याद किया जाता है। नंबर 4, सचिन वर्सेस अफरीदी। दोस्तों, पाकिस्तान के धुआंधार बैट्समैन शाहिद अफरीदी को तो हम अच्छे से जानते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही तरह से खेलना आता था और वो था अटैक। ऐसे ही एक बार भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे होते हैं और अफरीदी उनकी बॉल पर खूब चौके छक्के मार रहे होते हैं। तभी विकेट के पीछे से मास्टरमाइंड धोनी का दिमाग चलता है और वो सचिन को वाइड की ओर बॉल फेंकने के लिए कहते हैं। धोनी जान चुके थे कि अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर शॉट खेलने जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर कवर्स की ओर मारने जाते हैं पर वाइड बॉल को कम्प्लीटली मिस कर देते हैं। इधर धोनी पीछे से उनकी स्टंपिंग कर देते हैं और बेचारे अफरीदी को पवेलियन वापस लौटना पड़ जाता है। नंबर 3, जहीर वर्सेस ब्रेटली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ओडीआई मैच चल रहा होता है और भारत की ओर से बैटिंग कर रहे थे जहीर खान। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार बॉलर ब्रेटली उन्हें एक यॉर्कर फेंकते हैं जो जहीर नहीं खेल पाते, पर उस बॉल पर वो रन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगले ही पल वो वापस लौट जाते हैं। इतने में बॉल उठाने आए ब्रेटली जहीर के बेहद करीब से गुजरते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कुछ कहते हैं। जहीर को काफी गुस्सा आता है पर वो मुंह से ब्रेटली को जवाब नहीं देते। जहीर जानते थे कि ली अगली बॉल भी यॉर्कर ही फेंकेंगे, इसलिए वो बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही ब्रेटली यॉर्कर फेंकते हैं, वो उसे हाफ वॉली बनाकर सीधा छक्के के लिए जड़ देते हैं। नंबर 2, विराट कोहली वर्सेस केसरिक विलियम्स। दोस्तों, 2017 में वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के एक T20 मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के बॉलर केसरिक विलियम्स विराट कोहली को 26 रन पर आउट करने के बाद अपना नोटबुक सेलिब्रेशन स्टाइल करके कोहली को चिढ़ाते हैं। ये सेलिब्रेशन विराट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और फिर 2 साल बाद वेस्ट इंडीज इंडिया आती है और उस मैच में विराट कोहली 94 रन की नॉट आउट पारी खेल रहे थे, पर उससे पहले 16th ओवर में विराट कोहली केसरिक विलियम्स के ओवर में 3 छक्के मारते हैं और आखिरी छक्का मारने के बाद वो अपना 2 साल पुराना बदला उन्हीं की नोटबुक सिग्नेचर स्टाइल में लेते हैं। ये दिखाता है कोहली कभी कुछ भूलते नहीं है, इसलिए गौतम गंभीर के अलावा इनसे कोई पंगा नहीं लेता है। नंबर 1, युवराज वर्सेस फ्लिंटॉफ। दोस्तों, जब बात रिवेंज लेने की आती है तो युवराज सिंह से बेहतर रिवेंज आज तक किसी ने नहीं लिया है। 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के 18th ओवर में युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच बहस देखने को मिलती है और ये आग फ्लिंटॉफ की ओर से ही लगाई गई थी और फ्लिंटॉफ युवराज को मारने की धमकी देते हैं। युवराज इसके कारण बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इस गुस्से के बीच उनके सामने बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड फंस जाते हैं। पारी के 19th ओवर में युवराज 6 बॉल्स पर 6 सिक्सेस लगा देते हैं और T20 इंटरनेशनल में ये कारनामा करने वाले पहले बैट्समैन बन जाते हैं। इसके बाद फ्लिंटॉफ के लास्ट ओवर में भी उन्हें एक करारा छक्का पड़ता है और शायद इससे बेहतर रिवेंज हमें कभी और ही देखने को मिले। वैसे क्या आपने ये मैच लाइव देखा था? कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, ये थे भारतीय प्लेयर्स के द्वारा लिए गए सबसे शानदार रिवेंज। तो इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? और ऐसे ही कई मोमेंट्स की हमने वीडियो बना रखी है, अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो इस पर क्लिक करके चले जाओ और हमें कमेंट में भी बताओ कुछ मोमेंट्स के बारे में।